हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम अनसुया रंगानी और आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ मेरे ये हेवी दुपट्टे के ऊपर, जो कि ये प्योर जॉर्जेट का मटेरियल है। और ये जॉर्जेट के मटेरियल के ऊपर वो सूती ऊनी जिसे हम धागा कहते हैं, वो धागे का वर्क किया गया है, आप इसे खुद देख सकते हैं। और ये क्रीम कलर का दुपट्टा है और दुपट्टे के ऊपर अलग अलग रेशम के ये जो ऊनी के जो धागे हैं उसका वर्क इसमें लगा हुआ है। और ये जब ऊन के धागे रहते हैं वो ज़्यादातर फास्ट कलर में अगर हो तो कलर ब्लीड करता है। और मेरा ये जो दुपट्टा है वो लाइट क्रीम कलर का है। तो आज हम ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में देखेंगे कि क्या ये रेशम का जो धागा है उसका कलर मेरे ये क्रीम कलर के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। इसकी जो ब्राइटनेस है वो फिलहाल जैसी है उससे भी अच्छी दिखेगी या नहीं दिखेगी, क्योंकि ये दुपट्टा मेरे पास लास्ट 5 ईयर से है और मैंने इसे एक भी बार वॉश नहीं किया है, ना ही ड्राई क्लीनिंग वॉश किया है, ना ही घर पे वॉश किया है। तो एक्चुअल में सच कहूँ तो मैं खुद भी ये देखना चाहती हूँ कि क्या ड्राई क्लीन एट होम में इसका रिजल्ट हमें बाहर ड्राई क्लीनिंग में अगर वॉश करने के लिए दें तो ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही इसका जो टॉप है वो टॉप भी देखिए पूरा मरून कलर का है, डार्क मरून कलर का टॉप है। और जॉर्जेट का तो कोई भी अगर कपड़ा हो और वो भी इस किस्म का डार्क कलर का, तो वो 100% कलर छोड़ता है, ये आप सभी को मालूम है। और उसमें भी देखिए ये पूरा जो वर्क है वो ऊनी सूती का वर्क एकदम पास में नज़दीक में ही इसको किया गया है। तो आज हम ये जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है वो उसमें देखेंगे कि इसकी ब्राइटनेस एज इट इज़ रहती है या नहीं रहती है, और आफ्टर वॉश के बाद में इसका रिजल्ट हमें कैसा मिलता है। तो चलिए अब हम हमारा ये जो आज का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है वो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये दो कांच के बाउल लिए हैं और बाउल के अंदर 1-1 लीटर दोनों के अंदर पानी डाला है। पानी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और एक बाउल में तो हम उसे वाटर ही रहने देंगे, अंदर कुछ ऐड नहीं करेंगे। और दूसरे बाउल के अंदर हम डालेंगे हमारे ड्राई क्लीन एट वाइप्स। तो चलिए पैकेट को ओपन कर लेते हैं। उसे कट करके एक वाइप्स अंदर डिप कर देंगे। ये वाइप्स की क्वांटिटी इतने पानी के लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे 1/4 हिस्से में काट कर ही डालूंगी। इसे हम अंदर डाल के पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो केमिकल्स है वो सारे केमिकल्स पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए केमिकल हमारा ऑलरेडी अंदर सारा अच्छे से घुल मिल गया है। अब हम करेंगे ये कि ये जो हमारा दुपट्टा है उसका वर्क वाला, यानी कि ये वाला हिस्सा, इतने वर्क वाला हिस्सा मैं ये बाउल के अंदर डालूंगी। और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो मैं दूसरे बाउल में डालूंगी। ये पानी वाले बाउल में मैंने डाला है। अब हम इन दोनों बाउल के अंदर ये जो मेरा डार्क कलर है पूरा फास्ट एकदम मरून कलर ये भी डालेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये कलर ब्लीड करेगा ही करेगा। लेकिन क्या इसका कलर ये व्हाइट दुपट्टे के ऊपर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है हमें वही देखना है। और इसका रेशम का वर्क जो है ऊनी वर्क वो भी कलर निकलने के बाद में क्रीम कलर में चढ़ता है या नहीं चढ़ता है वो भी हमें देखना है। तो हम ये जो डार्क कलर का जो ये मेरा पार्ट है वो दोनों के अंदर एक एक डाल देंगे। ये प्योर का मटेरियल है तो हम इसे ज्यादा पानी में नहीं रखेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट।
इतनी देर में इसका जो मेल का जो पार्ट रहता है वो अच्छे से गल जाता है, और फिर 2-3 मिनट के बाद में इसको निकाल के अच्छे से रब करके हम फ्रेश वाटर में डिप कर लेंगे। तो 2 मिनट तक हम वेट करते हैं। हमारी 3 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाउल में से कपड़ा निकालने जा रहे हैं और देखेंगे कि कपड़े ने पानी के अंदर और ड्राई क्लीन एट होम वाइप्स के अंदर कितना कलर फेड किया है। तो ये पहला बाउल था जिसके अंदर था हमारा ये जो वाइप्स, और दूसरा था प्लेन वाटर, आप इन दोनों का फर्क देख रहे हैं। ये जो वाटर वाला पार्ट था उसमें ओनली 0.5% जितना ही मटेरियल का कलर ब्लीड हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है। और ये जो दूसरा बाउल था जिसमें केवल हमने पानी डाला था वो रेड कलर का हो चुका है, तो इसकी भी आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। अब अगर इसके अंदर मैंने माइल्ड शैम्पू भी डाला होता तो भी ये कलर ब्लीड करता, क्योंकि शैम्पू की जो पीएच होती है वो भी कम से कम 7-7.5 तक की होती है। जब पानी न्यूट्रल होता है तो फिर भी अगर ये कलर ब्लीड करता है तो सोचिए, अगर हम ये जो लाइट वेट है, मतलब हमारे जो लाइट डेलिकेट वेट है, अगर उसे हम शैम्पू के अंदर वॉश करेंगे तो वो भी कलर ब्लीड तो करेगा ही करेगा। तो ये जो हमारे ड्राई क्लीन एट वाइप्स है उसमें हमें इससे बेटर रिजल्ट मिला है। तो अब हम हमारा ये जो पूरा ड्रेस है उसे अच्छे से बकेट के अंदर दोनों कपड़ा मिक्स करके वॉश करेंगे, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। मैंने इस बकेट के अंदर 8-9 लीटर तक पानी भरा है, क्योंकि मुझे मेरा पूरा ड्रेस अंदर डालना है। एक तो मेरा 2.5 मीटर का दुपट्टा है और दूसरा मेरा टॉप है, तो उसकी वजह से पानी मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिया है। और अब मैं सिंपल इसके अंदर डालूंगी मेरा ये जो बचा हुआ वाइप्स था वो, और इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमारा फास्ट मरून कलर का जो टॉप है, फुल्ली वर्क रेड, वो आप देख सकते हैं इसका वर्क। और दूसरा मैं डालूंगी मेरा ये दुपट्टा। दोनों को इसके अंदर डाल के मैं कम से कम 3-4 मिनट तक छोड़ दूंगी, और कभी कभी इसको यूं ही गोल गोल हमें घुमाते भी रहना है ताकि इसकी जो मिट्टी डस्ट है वो भी आसानी से जल्दी से निकल जाए। अगर आप चाहो तो इसके अंदर जो ये दुपट्टा है उसे आप निकाल के अपने बाथरूम वगैरह में बिछा के आप हल्के से उसे रब भी कर सकते हैं, तो इसका अगर कहीं पर भी दाग धब्बा भी रहा हो तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट मुझे ये वीडियो बकेट में ही बनाना है तो मैं इसे बाथरूम में फैला के साफ नहीं करूंगी। मेरा जो दुपट्टा था ना वो सच में बहुत ही गंदा था। वो कहते हैं ना लाइट क्रीम कलर का था बट येलोइश कलर का हो गया था, क्योंकि मैंने 5 इयर्स से इसे वॉश भी नहीं किया था। दुपट्टे की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ गई है और दुपट्टा अभी पूरी तरह से पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है। अब हम इसे छोड़ देते हैं 2-3 मिनट तक के लिए। 3-4 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो ये दुपट्टा है वो अच्छे से अभी क्लीन हो चुका है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कि क्या ये दुपट्टा और ये जो मेरा टॉप का जो डार्क कलर था उसने कलर ब्लीड किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए मैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लाई हूँ, तो इसका पानी हम इसके अंदर भरेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस सॉल्यूशन में डालने से हमारे ये ड्रेस ने बिल्कुल भी अपना कलर ब्लीड नहीं किया है। आप इसे देख सकते हैं पानी सेम वॉटर जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे ये सॉल्यूशन में से बाहर निकालेंगे और केवल एक ही बार फ्रेश वाटर में इसे वॉश करके उसे बाहर हैंगर में लटका देंगे। मैंने इसे एक बार फ्रेश वाटर के अंदर अच्छे से खंगाल लिया है। अब हम इस ड्रेस को ये पानी में से बाहर निकाल कर इसे सुखा देंगे। कुछ इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो भी वाइट का वाइट ही है, ये इसमें कलर ब्लीड नहीं हुआ है।
तो अगर आपको मेरी ये अच्छी ये मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और ड्राई क्लीन एट होम वाइप्स के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर्स ज़रूर से दूंगी। और मेरी ये जो प्रोडक्ट है ड्राई क्लीन एट होम, ये अगर आप परचेस करना चाहो तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।